तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कलर ग्रेडिंग के बारे में सिखाने वाला हूँ। दोस्तों आपने टिकटॉक पे बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी इस टाइप की कि पहले वो फेड सी चल रही होती है, फिर बाद में उसमें ऑटोमेटिक कलर्स ऐड हो जाते हैं। दोस्तों उसको कलर ग्रेडिंग बोलते हैं। दोस्तों वो वीडियोज़ पीसी से एडिट करी गई है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में आपको एंड्रॉयड से एडिट करना सिखाने वाला हूँ दोस्तों, वो भी बहुत ईजी से। कोई उसमें ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी इंटरफेस है, इजी तरीका है उसको यूज़ करना। अकॉर्डिंग टू फोन बहुत ही हाई लेवल की कलर ग्रेडिंग होने वाली है दोस्तों। आप बहुत कूल वीडियो बना के आप टिकटॉक पे पोस्ट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ जो हमेशा बोलता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो से एडिटिंग सीख कर टिकटॉक पे पोस्ट करते हो तो मुझे टैग ज़रूर करना, इट्स एनजे करके मेरा टिकटॉक अकाउंट है। तो दोस्तों उस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लेकिन नहीं दे रखा दे रखा है बट वो पेड है, फ्री में चाहिए इंस्टाग्राम पे डीएम करना। लिंक नहीं दूंगा, लेकिन डाउनलोड कैसे करना है फ्री में वो सिखा दूंगा, और उसमें वाटरमार्क भी नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ तो इंस्टाग्राम पे आ जाना। सो गाइस, आपने टिकटॉक पे ऐसा बहुत सारे वीडियो देख रखा होगा कि पहले एक फेड सा वीडियो होता है, जैसे वो स्टार्ट होने लगता है तो वो एकदम से कलर ग्रेड होकर इतना कूल सा वीडियो बन जाता है। आप खुद देख सकते हो कितना कूल लग रहा है। आपको क्या लगता है कि ये रियलिटी है? दोस्तों इसके पीछे का सच मैं आपको एक बताना चाहूँगा जो कोई भी नहीं बताएगा, आपको कोई भी नहीं बताएगा, कॉमन सेंस की बात है। मतलब कि इतने बड़े बड़े कैमरे से, इतने महंगे हाईटेक कैमरे से वीडियो शूट करा गया होता है, आपको क्या लगता है इतना फेड सा वीडियो होता है? दोस्तों वो फेड नहीं होता, वो मैन्युअली फेड करा गया होता है ताकि ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाए अपनी तरफ, ठीक है। कि मतलब कि इतना फेड सा वीडियो है, बाद में वो कलर ग्रेड हो गया। दोस्तों ये नहीं है कि कलर ग्रेडिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, देखो ये कॉमन मतलब कि वीडियो है, ये मैंने अपने फ़ोन के कैमरे से शूट करा गया, ये नॉर्मल वीडियो है, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें कलर करेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट है, इसको खुद मैनुअली फेड करा गया था। दोस्तों अब मैं जो आपको बता रहा था कि कलर ग्रेडिंग नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है, आप खुद देख सकते हो ये कलर ग्रेडिंग करके रखी है मैंने। दोस्तों दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप खुद देख सकते हो कलर ग्रेडिंग नाम की भी चीज़ है, ठीक है। तो ये मैं आपको प्ले करके बताता हूँ, ये मैंने कलर ग्रेडिंग की है, ठीक है। देख सकते हो कितना कूल लग रहा है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू फोन बहुत ही बेस्ट वीडियो बनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो को कलर ग्रेड करना कैसे है, ठीक है। सो गाइज, आपने सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। दोस्तों इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रखा। अगर आपको ये एप्लीकेशन चाहिए, ये मोड वाला चाहिए आपको वर्जन, तो आप सिंपली मेरे इंस्टाग्राम पर चले जाओ, वहाँ पर मैंने एक पोस्ट डाली है, उस पोस्ट में मैंने पूरा डिटेल में बताया कि आपको ये एप्लीकेशन कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है। आप वो पोस्ट देख लेना, उस पोस्ट को लाइक भी कर देना, ठीक है। और एक और बात, इस एप्लीकेशन का नाम है VSCO। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस एप्लीकेशन को हम क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से मिल ही जाएगा मोड वर्जन, बट मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड करते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे इमेज का ऑप्शन मिलेगा, वीडियोज़ का नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर वीडियोज़ का मिलेगा भी तो वो बहुत लैग करेगा या कुछ वो सब मतलब कुछ अननेसेसरी चीज़ें करेगा। तो अगर आपको मतलब कि एक्यूरेट एप्लीकेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम पे चले जाओ, पोस्ट देख लो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे डाउनलोड करना है। तो सिंपली मैं अपनी वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये वीडियो आ गई तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये ऑप्शन मिल रहा है, मैं इस पर क्लिक करके हम इसमें आ गए, ठीक है। वॉल्यूम लो ही है। तो अब आपको क्या करना है, इसको कलर ग्रेड कैसे करना और कलर फेड कैसे करना, दोनों सिखाऊंगा दोस्तों, दोनों सिखाऊंगा। आपने सिंपली सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों सबसे पहले मेन चीज़ वीडियो को मतलब कि कलर ग्रेड करने से पहले आपको इसका जो एक्सपोजर है इसको थोड़ा बेटर करना है, ठीक है। जब भी आप कलर ग्रेड करो तो इसको थोड़ा सा हाई कर लेना, ठीक है। जैसे ये हाई है, ये लो है, आपने सिंपली इसको हल्का सा हाई कर लेना, ठीक है। जैसे 0.7 0.8 अपने वीडियो को अकॉर्डिंग कर लेना। तो यहाँ से 0.8 करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो मेन चीज़ है कलर ग्रेडिंग, यहाँ पे HSL आपको दिख रहा होगा, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना। बाकी चीज़ें भी हैं यहाँ पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने HSL पे क्लिक करना है, ठीक है। आपने अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, आपने जैसे कि जिस टाइप के कपड़े डाले, जिस कलर के कपड़े डाले हैं, एक्सेप्ट इन में से कलर होने ही चाहिए, ठीक है। अगर इन में से नहीं है तो फिर भी कर सकते हो, बट अगर इन में से हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि मैंने डेनिम की मतलब जीन्स डाली है, वो ब्लू कलर की है, तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ से आप देखो मैजिक, यहाँ से कैसे कलर चेंज हो रहा है, आप खुद देख सकते हो कितना कूल लग रहा है। मैं इसको ऊपर नीचे करूँ, मेरी मतलब पूरी जीन्स की कलर चेंज हो गई है, आप खुद देख सकते हो कितना कूल लग रहा है। अगर मेरे को उस डेनिम को डार्क करना है ना,
तो मैं यहाँ से इसको इस तरीके से इसको डार्क कर सकता हूँ, आप खुद देख सकते हो दोस्तों कितनी अमेजिंग है। मतलब कोई सोच नहीं सकता कि एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन से आप इस टाइप की वीडियो बना सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ से इस टाइप से, मेरे को ये बेटर लग रहा है ठीक है, मैंने यहाँ से इसको ये कलर सेलेक्ट कर लिया ठीक है। अब बात आती है आपने शर्ट कौन सी कलर की डाली है, तो यहाँ पे मेरा मल्टी कलर है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी तो यहाँ पे मैंने मल्टी कलर डाल दिया ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ, बीच में थोड़ा येलो येलो है ना, आप देख सकते हो थोड़ा डार्क हो रहा है ना। यहाँ से आप अकॉर्डिंग मतलब कि बिल्कुल मतलब वीडियो के अकॉर्डिंगली, कलर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो। जितने आप बैकग्राउंड में कलर होंगे उतना बेटर रहेगा ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कर लेता हूँ ग्रेडिंग वगैरह, तो नॉर्मली बस यही था, जैसे जीन्स का कलर वगैरह चेंज किया, यहाँ से हमारे कलर ग्रेडिंग कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैं जीन्स का कलर यही छोड़ देता हूँ ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे ये स्प्लिट टोन ठीक है, ये आपके पूरे बैकग्राउंड को मतलब चेंज करेगा ठीक है। यहाँ से मैं जैसे कि येलो करता हूँ, ये देखो बैकग्राउंड येलो हो गया ठीक है। यहाँ से मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ, ये यहाँ से इस कलर का हो गया। यहाँ से आप अपने हिसाब से कर सकते हो और हाईलाइट भी कर सकते हो यहाँ से ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, यहाँ से आप हाईलाइट टिंट कर सकते हो, आप खुद देख सकते हो कितना मतलब कि कूल लग रहा है। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अब बात आती है यहाँ पे स्किन टोन, आप स्किन टोन को भी बेटर कर सकते हो। यहाँ से खुद देख सकते हो मतलब कि किस तरीके से आप स्किन टोन को चेंज कर रहे हो ठीक है। आप देखो यहाँ पे बिल्कुल आपको फ़र्क दिख रहा होगा ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अब बात आती है यहाँ पे वाइट बैलेंस की, यहाँ पे आप टेम्परेचर टिंट दोनों सेलेक्ट, मतलब कि एक पूरा कॉम्बो पैकेज मिलता है आपको इस एप्लीकेशन में, पूरा कॉम्बो पैकेज। मैं यहाँ से टेम्परेचर सेट कर लेता हूँ, जैसे कि ये वार्म, ये कूल इफेक्ट, मतलब ये ठंडा ठंडा कूल कूल वाला आ गया है ना। तो यहाँ से हम यहाँ पे टिंट वगैरह सेट कर सकते हैं ठीक है, अकॉर्डिंग टू वीडियो बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको क्रॉस करता हूँ, फिर आता है सेचुरेशन, यहाँ से आप सेचुरेशंस वगैरह अपने अकॉर्डिंग टू मतलब वीडियो सेम कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट सबको पता ही होगा बाकी ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि कलर ग्रेडिंग कैसे की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फेड कैसे करते हैं। एक्सपोजर में जाना, इसको मतलब कि हल्का सा इतना लो कर लेना, तो कंट्रास्ट में जाना, मतलब कि सब कुछ आपको लो करना है, तो बस हो गया। मतलब कि इतना फेड सा वीडियो था, आप काइन मास्टर या किसी भी अदर एप्लीकेशन में जाके दोनों को कंबाइन कर लेना, बस आपकी वीडियो बन गई। आपको कुछ साउंड्स वगैरह चाहिए जिस साउंड पे आप ये वीडियो पोस्ट कर पाओ, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आई हो तो ही।